The topic of our today's discussion, dear students, is condensation polymerization. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं. स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्योंकि स्टेप्स में होती है और ईच स्टेप्स में हर एक स्टेप में क्या होगा, सिंपल मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड. दैट मॉलिक्यूल में बी वाटर, दैट में बी अमोनिया, दैट में बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट में बी एल्कोहल. बट इन मोस्ट कॉमन केस द एलिमिनेशन इज ऑफ वाटर. The general condensation reaction may be written as monomer plus monomer to give you dimer plus H2O. मैंने elimination वाला simple molecule लिया H2O. ठीक है, अब dimer next monomer के साथ react करेगा, trimer बनेगा plus H2O will be. This was step one, this is step two. In every step a simple molecule will be lost. Trimer will join with another fresh monomer to give you tetramer, and again that molecule, simple molecule, that will be eliminated, and so on, tetramer, pentamer, hexamer, and in this way you will attain your polymer. Okay, this is step growth polymerization or condensation polymerization. What are the characteristics of condensation polymerization? The very first, monomers must be bifunctional. Monomer के ऐसे होने चाहिए जिनके पास दो functional group हो, दो हिस्से पे. जैसे hexamethylene diamine है, diamine, दो amine है. इस हिस्से से भी इधर को जुड़ सकता है, इस हिस्से से भी जुड़ सकता है, तभी तो chain बनेगी. अगर एक ही मोनोमर हो, एक ही फंक्शनल ग्रुप हुआ, तो यहां से किसी दूसरे के साथ जुड़ेगा, बस यहां से इस तरफ को जुड़ ही नहीं पाएगा, तो फिर डाइमर तक ही खत्म हो जाएगा रिएक्शन. पॉलीमर बनना है तो दोनों तरफ को फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए. मींस द मोनोमर मस्ट बी बाई फंक्शनल. नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टेप वाइज मोड. And in each step, simple molecule like water, ammonia, HCl, etc. is eliminated. It is slower than addition polymerization. Addition polymerization, free radical है, cationic है, anionic है, that is faster. यहाँ पे step wise growth होनी है, हर एक step अपना time लेगा, तो it takes longer time, it is slower. Next, the polymer formed possess both functional group at the chain ends. होंगे? क्यों नहीं होंगे? जैसे कि, for example, अब ये condensation polymer जो है, वो linear भी हो सकते हैं और branched भी हो सकते हैं, cross-linked भी हो सकते हैं. मैं बताऊंगा आपको कि जब मोनोमर बन डाइमर या पॉलीमर बनता है तो फंक्शनल ग्रुप दोनों एंड पे होते हैं, और भी पता लग जाएगा आपको. एग्जांपल लेते हैं हम पॉलीएस्टर का. पॉलीएस्टर जो है वो लीनियर पॉलीमर्स में आते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं. डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाई देखिए बाई फंक्शनल है, डाई कार्बोक्सिलिक, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चलेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस डाईओल, कोई भी अल्कोहल हो, डाई होना चाहिए, इथिलीन ग्लाइकोल. ठीक है, तो ये जब आपस में जुड़ेंगे एन मॉलिक्यूल इसके, एन मोनोमर इसके, एन मोनोमर इसके, तो क्या बन जाएगा, पॉलीस्टर. उस पॉलीमर का नाम क्या होगा, पॉलीएस्टर. एस्टर बनता है, एसिड और अल्कोहल के मिलने से क्या बनता है, एस्टर. और बहुत सारे एस्टर ग्रुप मॉलिक्यूल में आ गए तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएस्टर, जिसको आप पॉलीस्टर बोलते हैं सिंपल फॉर्म में. द एग्जाम्पल इज टेरिलीन. टेरिलीन के बाईफंक्शनल दो मोनोमर कौन है, इथिलीन ग्लाइकोल, CH2 इथिलीन, OH इधर को, OH इधर को, तो क्या हो गया, बाईफंक्शनल हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरिथैलिक एसिड, प्लस टेरिथैलिक एसिड, ये डाईओइक एसिड है, बेंजीन रिंग है, इस तरफ को COOH, इस तरफ को भी COOH. देखिए जब ये दो पहले स्टेप में जुड़ेंगे तो डाइमर बनेगा, यहां से OH और यहां से H जाता है. मैकेनिज्म ऑफ एस्टिफिकेशन आपने पढ़ा होगा,
हालांकि लगता यह है कि एसिड जो है वो एच पॉजिटिव देगा और ये ओएच नेगेटिव देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से ओएच जाता है यहाँ से एच, इसलिए आपको शो करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको शो किया हुआ है। आप सिंपल लिखेंगे डाइमर, ठीक है, ओएच CH2, 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 यहाँ से ओ ही बचा, यहाँ से ओ एच उड़ गया, तो आगे क्या है सी, ये ओ किसके साथ जुड़ गया, सी के साथ, सी डबल बॉन्ड ओ, बेंजीन रिंग, सी ओ ओ एच। अब ये डाइमर बना, देखिए इसमें इस एंड पे भी फंक्शनल ग्रुप है ओ एच और इस एंड पे भी फंक्शनल ग्रुप है दैट इज सी ओ ओ एच। तो जैसे ये बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा बोथ एंड पे क्या रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। ये था वो चौथा पॉइंट, और निकला क्या, वाटर, निकला क्या, वाटर, ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल। ओके, अब ये डाइमर लिया मैंने, ये डाइमर बन गया, ये वाला मैं पूरा लिख दिया। अब ये इस एंड से अगर इसने ज्वाइन करना है तो अल्कोहल के साथ करेगा, एसिड के साथ तो नहीं करेगा, एसिड प्लस एसिड तो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो यहां पे अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिखा, ठीक है, इसने एच दिया, इसने ओ एच दिया, क्या बन गया, ट्राइमर। अब इसके इस तरफ भी फंक्शनल ग्रुप है ओ एच और इसके इस तरफ भी फंक्शनल ग्रुप है ओएच, ट्राइमर बन गया। अब ये इस एंड से या इस एंड से किसी भी एंड से नेक्स्ट मोनोमर होगा एसिड पर, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, टेट्रामर बनेगा, H2O बाहर निकलेगा, सिमिलरली अगले मॉलिक्यूल के साथ करेगा, पेंटामर बनेगा, इस तरह से रिपीट होती रहेगी ये बात, और क्या बन जाएगा, पॉलीमर। और जो पॉलीमर बनेगा उसके दोनों एंड पे क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप, दोनों एंड पे क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप। हर एक स्टेप में, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, जितने भी स्टेप्स होंगे उतने ही टेरिलिन के केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो एलिमिनेट होंगे। सो दिस वाज लीनियर पॉलीमर्स। नेक्स्ट इज ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। मैंने एक ही एग्जांपल लिया, किताब में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आपने वो देखने हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन के भी और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के भी। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेकेलाइट बहुत कॉमन एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। कंघियाँ जिसकी बनती हैं, बिजली के स्विच जिसके बने होते हैं, ये वो किसके होते हैं, बेकेलाइट के। बेकेलाइट को फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, क्योंकि ये इसका जो मोनोमर है हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये बनता किससे है, फिनोल से